विष्णु सहस्रेषु विष्णु सयूरसि विष्णु ध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा अग्निर्देवता भातु देवता सूर्यो देवता देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता। हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। लड्डू के नामकरण की पूजा है आज। अभी थोड़ी सी पूजा तो हो चुकी है, लेकिन अभी हवन बाकी है, तो अभी पंडित वगैरह सब दूध वगैरह पी रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक लिया है और इसके बाद होगा हवन। और मामू आए हैं उसके, तो हम आए थे ना जब, तब से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है, बहुत बिजी जा रहा है सब कुछ। तो हनु ने जो भी है, हनु ने रिकॉर्ड किया है, सिर्फ मेरे हनु ने वीडियो बनाई है। खा लो, कोई बात नहीं। और मैं अभी लड्डू को दिखाती हूँ आपको। वो लड्डू यहाँ पे है अभी, और लड्डू दीदी के साथ मस्ती मार रहा है। लड्डू, अरे लड्डू, अब तो नामकरण हो गया ना, नामकरण हो गया अब तो मेरी छोना का। मैंने इसके कान में बोला नाम, और दीदी ने बोला इसके कान में इसका नाम। मेरी छोना का नामकरण हो गया आज, मेरे लड्डू का नामकरण। मम्मा तो लड्डू ही बोलेगी फिर भी, है ना, है ना मम्मा, लड्डू बोलेगी ना, लड्डू बोलेगी ना। और लड्डू ना फोन को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। आज ना बाहर थोड़ी सी तेज धूप है, तो मैं सोच रही लड्डू के कपड़े चेंज करवा दूँ, क्योंकि ये मोटा सेट है इसका, जो मैंने इसको पहनाया हुआ है। चेंज कर दूँ कपड़े, बहुत मोटा। सुबह से इतना बिजी चल रहा है ना सब कुछ, मतलब सांस लेने का। पहले प्रसाद वगैरह बनाया। हनु देखो बेटा क्यों रो रहा है ये। प्रसाद वगैरह कुछ मम्मी और ने बनाया, और नंदे भी आई हैं दोनों, कुछ मेहमान भी आए हैं। ज़्यादा हमने लोगों को नहीं बुलाया है, क्योंकि जो हम बड़े वाला करेंगे ना, वो हम जब एक साल का हो जाएगा लड्डू, उसके बाद करेंगे। तो अभी जो अपने क्लोज के थोड़े बहुत मतलब रिलेटिव्स हैं, उनको बुलाया है। और ये मामू, आजा 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 आजा, लाडू नहीं पर मामू कैमरे से बचते हुए भागते हुए। आप सबका बहुत 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 दिल से थैंक यू। आप सब ने बहुत अच्छी विशेस भेजी थी लड्डू के लिए, बहुत प्यार भेजा, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे मुझसे, कि मेरी डिलीवरी के रिलेटेड एक्सपीरियंस पूछा है मुझसे। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। कल शाम को वापस जाना है, और हिमाचल से जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा मौसम बहुत अच्छा है। और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया मेरे लड्डू को, कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया आप लोगों ने, फिर आपका बहुत बहुत थैंक यू। सो बस अभी पूजा स्टार्ट हो गई है दोबारा से। तो एक्चुअली होता क्या है ना, कि जब बच्चे के नाम की आप पूजा रखते हो, एक दिन की हो या 3 दिन की हो, तो माँ बाप जो होते हैं बच्चे के पेरेंट्स, उनको व्रत रखना होता है। तो अभी यहाँ पे तो हनु के पापा ने सिर्फ व्रत रखा है, क्योंकि मुझे मना ही कर दिया था व्रत रखने के लिए, क्योंकि बच्चा फीड कर रहा है तो फिर खाना ज़रूरी है। मतलब पूरे 3 दिन तक आप व्रत नहीं रख सकते हो, 3 दिन की अगर पूजा है तो। और जो 3 पंडित जी आए थे, इन्होंने भी व्रत रखा हुआ था, मतलब फलाहार फ्रूट्स वगैरह ले रहे थे, लेकिन मैंने व्रत नहीं रखा था। तो अभी इसमें जो अभी टाइम बीच में पंडित जी ने दिया था ना, ये था कि मतलब आप फ्रूट्स वगैरह खा सकते हो, दूध वगैरह पी लो, फिर आगे अभी हवन वगैरह हो। तो जैसे जोड़ा में ही व्रत रखते हैं ना, तो अगर एक नहीं रख पा रहा है, तो मतलब हस्बैंड या वाइफ में से एक भी रख सकता है व्रत। तो अभी यहाँ पूजन पे तो सिर्फ हम ही बैठे हैं, क्योंकि धुआं भी था, तो लड्डू को बाद में लेके आएंगे। और लड्डू अभी बुई के पास है, और बाकी जो मेहमान आए हैं, दादियाँ वगैरह, चाचियाँ वगैरह, सब लड्डू उनसे मिल रहा है। मुझे ना घर पे आके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम 9 महीने एक ही जगह रह के मैं पक गई थी, और अभी आसपास का ऑरा इतना पॉजिटिव है, तो मतलब बहुत अच्छा। हमारे पैर भी धुल गए। तो अभी हो रही है छोटी छोटी कन्याओं की पूजा यहाँ पे, और कन्या पूजन के साथ ही ना, बोलते हैं ना कि एक बटुक होना चाहिए, तो हमारे पास तो यहाँ 3-3 बटुक महाराज थे। ये 2 मेरी ननद के बेटे हैं, और ये छोटा सा चोटी वाला जो इधर दिखाया था ना अभी, 2 चोटी करी हुई है, ये चाची का बेटा है। और बस अभी इसके बाद पूर्णाहुति होगी और फिर खाना वगैरह खाएंगे। ये छुटकू राम, ये मेरी चाची का बेटा है। तो किसी किसी को लग सकता है कि क्या हर एक छोटी छोटी चीज़ दिखा रही है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें ना मेरे लिए बहुत बड़ी और प्रीशियस हैं। एक्चुअली हीनल के टाइम में सब मैं नहीं कर पाई थी, इतनी सारी मतलब वीडियोस वगैरह नहीं है उसके, तो बस ये लड्डू के टाइम पे मैं एक भी चीज़ मिस नहीं करना चाहती थी, बहुत प्रीशियस हैं। आगे लाड़ी पीछे लाड़ा। ओम थोड़ी सी बूंद डाल देना मुख में। बना दे ओम, बनाते बनाते कोई नहीं बेशक हिलेगा। हाँ, थोड़ा सा डाल दो मुख में, वेरी गुड। चिटा दे इसको थोड़ा सा। लो आप बोलो, धीरे से बोलो, इसको सुनाई देता है। बोलो तीन बार, आराम से बोलना, यही आराम से बोलना, तीन बार बोलो, यदि इसको सुने बस। जा आगे जैसे, हाँ मुँह आगे कर ले। कोई नहीं, आप भी छुटा दो थोड़ा, जरा शायद है ना इधर। टेस्टी लगा हनी इसका। दीदी तो बड़ा अच्छा नाम बोला, सोना ढूंढा भी तो नहीं है ये वाला नाम। गर्मी तो नहीं हो रही बाबा, गर्मी तो नहीं हो रही बाबा को, मेरी छोना को गर्मी तो नहीं हो रही बाबा को। ओम श्री ज्वालामालिनी नमः जलगंधास्तान पुष्पाणि समर्पयामि। तो बस यहाँ पे भाई जो है वो लड्डू को कंगन पहना रहा है, और मम्मी ने जो सामान दिया है, मतलब मम्मी के घर से जो सामान आया है वो दिया। बहुत ज़्यादा लेन देन नहीं होता है हमारे, बस छोटी मोटी चीज़ें जो डिलीवरी पे दी जाती हैं बस वही, जैसे सूट हो गए, मिठाइयाँ और घी वगैरह जो भी होता है वो सब दिया। और नामकरण जो होता है ना वो मामों की गोद में ही बिठा के होता है। ये मेरे आदू की यादें। तो बस यहीं से मामा भांजे का बॉन्ड बनना शुरू हो गया है। काफ़ी ठीक रह रहा था मामों के पास, और यहाँ पे ना मामों के साथ मतलब पूजा थी। यहाँ पे सब पूर्णाहुति के लिए इकट्ठा हुए हैं, और ये दादी है गाइस सामने। दादू भी थे, लेकिन दादू को हम सब लोग ना काफ़ी मिस कर रहे थे, लेकिन दादू अभी नहीं हैं। तो बस अभी पूजा कंप्लीट हो गई है, और यहाँ पे सब लेडीज़ वगैरह इकट्ठी हुई हैं। और ये ना लड्डू के बुई हैं, कंगन पहना रहे हैं लड्डू को, और ये दूसरे वाले बुई हैं साथ में, इन्होंने पिछले कल पहना दिए थे। और जो भी मेरे लिए लड्डू के लिए गिफ्ट्स वगैरह लाए थे वो दे रहे हैं, और सारे मतलब गाँव की जो भी लेडीज़ें आई थी वो सब अभी जो जो लाए थे वो दे रहे थे, देते हैं जैसे। और ये है मामी जी, मामी जी की गोद में है अभी लड्डू, और साथ में ही है इनकी बहू। तो बस सब लोग मिल गए थे लड्डू से, और अभी खाना खाने का टाइम था तो खाना खा रहे हैं। और ये हैं बोटी, इनको बोटी बोलते हैं, खाना बनाने वाला एक ही थे वैसे तो, ये इन्होंने सारा खाना बनाया था। और खाना बनाते हुए और बांटते हुए इनका ना एक रूल होता है, ये धोती पहनते हैं और पाँव में शूज़ वगैरह नहीं डालेंगे। और जहाँ पे खाना बनाते हैं ना वहाँ भी मतलब किसी को ऐसे शूज़ वाला और ऐसा कोई नहीं जाना चाहिए वहाँ पे। तो यहाँ पे हनु के पापा और यहाँ मैं और हनु खाना खा रहे हैं। बस बाकी लोग तो जा चुके हैं खाना खा के। तो अभी यहाँ पे ना स्कूल के बच्चे हैं, ये भी आए हुए थे, तो अभी ये खाना खा रहे हैं स्कूल के बच्चे। ओए लड्डू, दोस्ती हो गई है, दोस्ती हो गई बुई के साथ, सारी सारी बुई के साथ है, सारी बुई है, सारी बुई है। गर्ल्स को देख के खुश होता है, खुश होता है गर्ल्स को देख। बस मैं भी खुश हो रहा था गर्ल्स को देख के, पीछे वो छेड़ रही थी इसको। हे कानू, ओए लड्डू, पर्स तो लाया भाई, पर्स तो भरना पड़ेगा। क्यूट क्यूट सी लग रही है दोनों बटरफ्लाई, है ना गुड़िया? तन्वी और श्वेता की एकता, एकता किसका नाम है एकता? और आपका क्या है? मेनका। खड़ी खड़ी जल्दी खड़ी। तो फाइनली अब जाके काम हमारा ख़त्म हुआ है, खाना वाना हो चुका है सबका, और अब मैं रेस्ट करने के लिए आई हूँ अपने रूम में नीचे। और मेरा लड्डू मस्ती मार रहा है। आप भी थक चुके हो क्या? सुबह से थक गए आप? चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलता हूँ अपने मम्मा के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है, बाय बाय। तो गाइस ये ना नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है और अभी हम घर से वापस आ रहे थे। वैसे प्लानिंग तो हमारी इवनिंग की थी लेकिन प्लानिंग चेंज हो गई और अभी मॉर्निंग में ही आ रहे हम। और यहाँ मम्मी और हस्बैंड ना सामान रख रहे हैं गाड़ी में और ये हनु की बुई भी हम ही साथ में ही आ रहे थे तो इनको भी हम सुंदरनगर में ड्रॉप कर देंगे। खाना खाया, उल्टी की दवाई। रात को ना लड्डू लेट सोया तो मेरी इतना नींद ही पूरी नहीं हो पाई और आंखों में स्वेलिंग जैसे आ गई। और अभी रास्ते में ना काफ़ी ट्रैफिक जैसा था तो काफ़ी रुक रुक के चल रही थी। लग रहा है आसमान में और आगे आसमान ही है, आगे है ही नहीं रोड कुछ भी, पर आगे आगे बढ़ रहे तो रोड दिख रहा है। ये मेरे साथ दो और भी पीछे सोए हैं। अरे वाह, ये है न्यू एक्सप्रेसवे चंडीगढ़ टू ले जा रहा है, मनाली तक जा रहा है। ये है गोविंद सागर, जिसके लिए आप सर्च कर सकते हैं, नेट में गूगल कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। गोविंद सागर के साथ साथ ये है न्यू एक्सप्रेस वे। बहुत ही अच्छा, वाह ब्यूटीफुल सीन। ये हमारे आदि तोय के साथ बिजी है, इसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। देखो आदि। तो बस अभी हम घर पहुंचने ही वाले हैं और रास्ते में ना लड्डू ने इतना तंग किया। एक्चुअली उसकी ना नाक बंद हो गई थी, मतलब घर पे ठंड थी तो जुकाम जैसा हो गया था इसको। पूरे रास्ते में इसने इतना तंग किया ना और अभी भी गाड़ी में रो ही जा रहा था कि कब घर जैसे पहुंचूं। मेरा तो मन करता था कब घर जैसे पहुंचूं और रिलैक्स होए हम। बस गई धीरे घर पे, घर पे, घर पे, घर। हाँ रिलैक्स पहुँच गया। और क्या, कहाँ गए थे आप? दादी के घर गए थे। क्या बना रहे शेफ साहब? आज बने हमारे बन रही है भुजी, पनीर भुजी। चलो बनाओ बनाओ, पतिदेव के हाथ से खाते हैं पनीर भुजी। गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल का सफ़र बहुत ज़्यादा थकाने वाला था। पूरे रास्ते में लड्डू ने भी बहुत ज़्यादा तंग किया। एक्चुअली इसको कोल्ड हो गया था ना तो नाक बंद हो रही थी इसकी, तो बहुत इरिटेट कर रहा था। पूरे रास्ते ना हम इसको ऐसे लेके आए हैं, है ना लड्डू? तंग किया ना कल आपने, बहुत तंग किया ना कल। तो मैंने ब्लॉग का एंड नहीं किया था तो सोचा अभी ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। और एक ये भी था कि जेठानी जी क्यों नहीं आए थे फंक्शन में। जो मेरी जेठानी है उनकी एक बेटी है तो हनु और मतलब हीनल और उसमें 6 मंथ का डिफरेंस है, श्रेया नाम है उसका। फंक्शन में भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आपके जेठानी नहीं आए। तो एक्चुअली क्या है ना, वो टीचर हैं स्कूल में, गवर्नमेंट टीचर हैं। जिस दिन ही इसका पूजन था तो उसी दिन ही उनका स्कूल से ट्रांसफ़र था और रिलीव भी उसी दिन होना था उनको और न्यू स्कूल में ज्वाइनिंग भी उसी दिन थी उनकी। तो फिर सेम डे ही था और डिस्टेंस भी काफ़ी हो जाता है फिर एक स्कूल से दूसरे स्कूल का आना जाना। तो इस सीज़न से नहीं आ पाए, फिर शाम को भी नहीं पहुंच पाए, वो लड्डू से भी नहीं मिल पाए। उनका बहुत मन था लड्डू से मिलने के लिए। अभी जहां उनकी ट्रांसफ़र हुई है ना वो ही हुई है मायके के नज़दीक हुई है, तो काफ़ी अच्छा हो गया उनके लिए। घर के थोड़ा नज़दीक आ गए हैं, उनका जो मायका है वो ससुराल के थोड़ा नज़दीक ही है, मतलब तो उनके लिए अच्छा हो गया। मेरे लड्डू के ना थोड़े से बाल कम हो रहे हैं, गंजू होता जा रहा है। जब ये पैदा हुआ था ना इसके काफ़ी बाल थे सर में, बहुत काले बाल भी थे और अब देखो गंजू होता जा रहा है ना? गंजू, गंजू की तबीयत ठीक है अब? नोजी साफ है? कुछ तो बोलो जी, कुछ तो बोलो। वैसे मुझे तो लड्डू लड्डू बोलने की आदत हो गई है लेकिन अभी हम इसको निकनेम इसका आदि है और आदि हम बुलाते हैं। और वैसे नाम इसका अद्विक है, वैसे सुन ही लिया होगा आपने वीडियो में, अद्विक नाम है इसका। अद्विक का मतलब होता है अद्वितीय, यूनिक, जिसके जैसा कोई ना हो। तो ये हमारा ऐसा ही है, हमारे लिए तो वैसे ही है। तो बस ये था आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ मैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और इसको मैं थोड़ा सा ना धूप दिखा देती हूँ, छिंके वगैरह आती है ना बच्चे को तो नाक अच्छे से खुल जाती है बच्चों की।